हेलो एवरीबॉडी uh, हम लोग आज की जो वीडियो का uh, टाइटल है उसका नाम है डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन ये आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन आपको ये बताता है कि जो चीज़ आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते ना उसको आप टेढ़े तरीके से भी नहीं कर सकते है. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को के ऊपर अगर किसी चीज़ का कोई बार लगा हुआ होता है हमें कोई चीज़ करनी अलाउड नहीं होती तो हम लोग उसको किसी और तरीके से घुमा फिरा के करने की कोशिश करते हैं मतलब कान अगर सीधे तरीके से ना पकड़ा जाए तो हम ऐसे घुमा के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं वही चीज़ डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन में भी बताई गई है कि वॉट यू कांट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली ऑल्सो जो चीज़ आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते हैं दैट इज़ नॉ वॉट इज नॉट अलाउड टू डू डायरेक्टली यू आर नॉट सपोज टू डू इन डायरेक्टली टू आप उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं तो कोर्ट समटाइम्स क्या करती है कोई चीज उनको अलाउ नहीं होती करने के लिए तो वो उसको इनडायरेक्ट मीन से करने की कोशिश करते हैं तो वो उनको अलाउड नहीं है मतलब वो स्ट्रिक्टली बैंड है इसी को हम डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं इट मीन्स वॉट एवर इज प्रोहिबिटेड डायरेक्टली इज़ प्रोहिबिटेड इनडायरेक्टली ऑल्सो जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोहिबिटेड है वो इनडायरेक्टली भी प्रोहिबिटेड है इट इज़ टू प्रोहिबिट और बार द लेजिस्लेचर टू डू समथिंग इनडायरेक्टली डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन जो आपकी कोर्ट है जो लेजिस्लेचर है उसके ऊपर बार लगाती है कि जो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोहिबिटेड है वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते तो दिस इज द डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन